हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, फाइनली आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली बिहार में नई वैकेंसी आने वाली है, वो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की, जिसके लिए नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी है। और इस बार जो वैकेंसी आने वाली है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको होली से पहले आवेदन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये जो वैकेंसी है कैसे आवेदन करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, क्या फी है, कितनी सैलरी है, कब से आवेदन शुरू होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, सारा इन्फॉर्मेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस की रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के कट को ओपन कर रखा है, और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देखिए मेंशन किया गया है पुलिस सप्ताह, सीएम नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों को दिए निर्देश, बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया होगी तेज। तो यहाँ पे साफ तौर पर जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार पुलिस में प्रक्रिया है बहाली की, उसको तेज किया जाए। बहुत ही फटकार लगाते हुए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा, कब से वैकेंसी आएगी, उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। साथ में बता दूँ कि अगर आप इस न्यूज़ को खुद से रीड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को सेंड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस बहाली में प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली क्यों हो रही है इसकी सख्त नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबोधन में यहाँ पे अपने जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनको यहाँ पे बहुत ही फटकार लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि बिहार पुलिस में देरी क्यों हो रही है, नई वैकेंसी में देरी क्यों हो रही है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिटेल मेंशन किया गया, इसको आप खुद से रीड भी कर सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि साफ तौर पर मेंशन किया है कि बहुत सारे अधिकारी हैं जिनसे पूछताछ किया गया नीतीश कुमार के द्वारा कि वैकेंसी आखिरकार क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। यहाँ पर देखिए डिटेल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया है कि विशेष शाखा में 50% अस्थाई बहाली, यानी कि मेंशन किया गया है कि इस सीएम ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा में 50% बहाली की बात करने की कही है। उन्होंने कहा कि काफ़ी पहले इस शाखा के पुनर्गठन का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया नाराजगी जताते हुए डीजीपी को इसे जल्द अल्प जमा पहनाने के लिए कहा गया है, यानी कि डीजीपी को भी यहाँ पर कहा गया है कि आप वैकेंसी किए यहाँ पे ज़्यादा इंतजार न करवाएं, ये वैकेंसी जल्द दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट को लग सकता है कि सर यहाँ पे कहीं तो डेट दिया नहीं गया है कि आखिरकार इस डेट से आवेदन होगा या फिर इतनी वैकेंसी आएगी। तो देखिए जो आपका प्रीवियस नोटिस है, यानी कि जो मैंने आपको नोटिस के माध्यम से बताया था कि 67,000 बहाली आने वाली है, साथ ही डायल 112 में भी वैकेंसी आने वाली है, तो सब अलग अलग वैकेंसी आएगी, लेकिन जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है ये आपको 12,000 से 15,000 के बीच हो सकती है। अभी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जो यहाँ पे खबर निकल कर आ रही है कि बिहार पुलिस में जो बहाली है इसकी प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद यह आदेश दिया है। साथ ही मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखा सकता हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा, जिन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग बात करें इस वैकेंसी के बारे में कि आखिरकार आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए इसका जो आवेदन है होली से पहले स्टार्ट होने की संभावना है। मैं बता दूं कि कोई फिक्स डेट नहीं जारी किया गया कि इस डेट से आवेदन होगा, लेकिन होली से पहले आवेदन होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर होली से पहले आवेदन नहीं होता है तो फिर होली के बाद तो निश्चित ही आवेदन इसका स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो देखिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिंपली आपको इंटर पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, यानी कि आपका उम्र क्या है, इसमें आपको कम से कम जो उम्र है 18 वर्ष मांगा जाएगा, मैक्सिमम उम्र आपका 27 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। साथ इसमें सैलरी बहुत ही अच्छा खासा दिया जाता है, तो आप सैलरी के बारे में तो बिल्कुल टेंशन ही ना लें, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाइए, ये जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है। न्यू अपडेट था जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए वाई फ्रेंड, जय हिंद।